दुनिया के सात शीर्ष औद्योगिक राष्ट्रों के समूह G7 ने रूस को धमकी देते हुए कहा है कि अगर उसने पूरी यूक्रेन में स्थिरता के लिए मदद नहीं की तो उसके खिलाफ और कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। पश्चिमी देशों और अमेरिका का आरोप है कि पूर्वी यूक्रेन में रूसी भाषी लोग रूस की शह पर अलगाववादी रास्ता अपना रहे हैं। इस बीच पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों और यूक्रेन सेना के बीच भीषण लड़ाई जारी है। नाइजीरिया में इस्लामिक आतंकवादी संगठन बोको हराम के हमले में कम से कम 83 लोग मारे गए जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक बोको हराम आतंकवादियों ने पूर्वोत्तर बोर्नो प्रांत में 3 गांवों को अपना निशाना बनाया। बोको हराम संगठन वर्ष 2009 से अब तक हजारों लोगों की हत्या कर चुका है। सीरिया में जारी गृहयुद्ध के बीच सत्तापक्ष ने दावा किया है कि राष्ट्रपति चुनाव में बशर अल असद की फिर से भारी जीत हुई है। चुनाव परिणामों की घोषणा करते हुए सीरियाई संसद के स्पीकर मोहम्मद अल लहम ने बताया कि राष्ट्रपति असद को इन चुनाव में 88.7% वोट हासिल हुए हैं। हालांकि सीरियाई विपक्ष और यहां तक कि अमेरिका ने भी इन चुनाव की विश्वसनीयता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। विपक्ष कह रहे हैं कि चुनाव केवल उन इलाकों में ही हुए जहां असद प्रशासन का कब्जा है।